मोरध्वज चरित्र। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वे समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, इसलिए समस्त प्राणियों पर दया भाव रखें, प्रेम से उनकी भलाई करें, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हे श्री कृष्ण, हे गोपाल, हे मुरारी, हमें आशीर्वाद दें कि हम सदा आपके दिखाए गए मार्ग पर चलें, भूले से भी कभी हमारा पग भटकने ना पाए। प्रभु, ऐसा वरदान हमें दीजिए। जय श्री कृष्ण। भक्तों में एक महान भक्त हैं राजा मोरध्वज, जिनके चरित्र की गाथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कृष्ण प्यारे, हमें तुम उबार लेना, मुझ में आए अहंकार तो ठार देना। मैं जानता हूं विश्व में तेरा ही प्रकाश है, चर और अचर सभी में तेरा ही वास है। करता है तू ही कर्म को, पर यश दे और को, मेरे हृदय में दृढ़ता और तेरी ही आस है। मेरी दृढ़ता लगन को निखार देना, कृष्ण प्यारे हमें तुम उबार लेना। तेरा ही जब सभी है, सब तुझको ध्यान है, मेरा तो कुछ नहीं है, मुझको ये ज्ञान है। मेरे भले बुरे का अधिकारी कृष्ण तू, मैं भक्त तुम हो, भगवन और शक्तिमान है। कहीं निज मन से ना मुझको निकार देना, कृष्ण प्यारे हमें तुम उबार लेना। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बन रहा है, तेरा तनाव है सब जो कुछ भी तन रहा है। तुझ पर ही भार सौंपा है कृष्ण प्राण प्यारे, तुम पर ही भार मेरा, तुम में ही मन रमा है। दुष्ट डाले विघ्न तो उन्हें मार देना, कृष्ण प्यारे हमें तुम उबार लेना। निश्चिंत होके बैठा जब तेरा मैं दास हूं, हूं मैं पिता के बल पर, तब क्यों हिरात हूं। तेरे सिवा न कुछ भी ये मानता विशंभर, तू मेरे पास हरदम, मैं तेरे पास हूं। मेरी नैया को पार कर देना, कृष्ण प्यारे हमें तुम उबार लेना। मोरध्वज कथा प्रारंभ। कृष्ण कृपा से जी उठे जबी धनंजय राय, प्रमुदित हर्षित तब हुआ पांडव दल समुदाय। अर्जुन सुतवीर बभ्रुवाहन लज्जित मन नीची नजर लिए, कह उठा भीम से हे चाचा मैंने है भारी पाप किए। मैंने वध किया पिता का था, वो पाप छूटी नहीं सकता है। पितुघाती पुत्र पिता सम्मुख कैसे जीवित रह सकता है। सुन भीम सात्वना दे बोले, हे बेटा तू मुझको प्यारा, गुरु को और बाबा को मैंने जब युद्ध स्थल में संघारा। हरि दर्शन से हो पाप मुक्त, मैंने सब पाप नशाए हैं। तू पापी कैसे रहा जगत में जब कृष्ण के दर्शन पाए हैं। हरि कृपा और तेरे बल से अर्जुन को जीवन दान मिला, पांडव सर्वत्र बने विजयी, ये ऐसा पावन ज्ञान मिला। हर्षित मन पार्थ गहासुत को अपनी गोदी में बिठा लिया, कह उठे पुत्र मेरा तू है, ये कह सुत का मुख चूम लिया। पांच दिवस इस भांति ही बीते मणिपुर देश, छठे दिवस तप सभा में कहने लगे ब्रजेश,
हे भीम, दिवस अति बीत रहे, तुमको हस्तिनापुर जाना है। साथ महारानी कुंती को अपने संग में ले जाना है। आज्ञा अनुसार यदुनंदन के हस्तिनापुर भीम चले आए। इत अर्जुन वीर वभ्रु वाहन श्री कृष्ण आदि आगे धाए। है छूट गया मणिपुर से यूं, आगे था रत्नपुरी आया। पीछे दल बदल था अर्जुन का, घोड़े के संग चलता आया। अभिमान बढ़ रहा था मन में, करते विचार थे धनुधारी। भगवान हमारे साथ में जब, तब मेरी जग में जयकारी। वो भक्ति भाव श्रद्धा मेरी, जिससे हरि मेरा चेहरा है। मैं मर कर भी जी सकता हूं, तो काल भी अनुचर मेरा है। मेरे समान नहीं भक्त अन्य, इस भूमंडल पर हो पाएगा। हो गया सिद्ध मुझसे भिड़कर, कोई न जयी हो जाएगा। सखा हृदय के गर्भ को जान गए सर्वेश। मद गंजन हित संग में बड़े रत्नपुर देश। थे रत्नपुरी नृप मोर ध्वज, भारी ये भक्त कहाते थे। संतों के प्रिय अभ्यागत थे, कोई खाली नहीं जाते थे। नर्मदा नदी के शुभ तट पर भगवान भजन वह करते थे। जो साधु संत कोई मिलता, उसका वो पूजन करते थे। इनके जीवन की घटनाएं पहले हम तुम्हें सुनाते हैं। जो चरित यहां कहने बैठे, पीछे हम उसको गाते हैं। था नियम ये मोर ध्वज नृप का, जिस दिन संत न कोई आता था। बिना संत जिमाए वो राजा, उस दिन भोजन नहीं खाता था। इस भांति साधु सत्संगी लग, चोरों ने हृदय विचार किया। नृप के ग्रह चलने ठगने हित, सब साधु रूप उपचार किया। सेवा नृप से करवा करके, मौका पाकर धन लाएंगे। खाएंगे मौज उड़ाएंगे, घर में भी सेंध लगाएंगे। ऐसा विचार कर चोरों ने संतों का वेश बना करके, मालाएं गले में तुलसी की, माथे पर खौर लगा करके, पहुंचे मोर ध्वज के द्वार। राजा ने देख प्रणाम किया, फिर चरणों को धो प्रेम सहित सुंदर आसन अभिराम दिया। अंतपुर में ले जा करके ठहराया, शुभ स्थान दिया। सुत स्त्री ने सेवा द्वारा पूजन करके बहुमान किया। वन विहार हित एक दिन गए नृपति बनमाए, साधुन के सत्कार को रानी भार गहाए। अवसर पाया तब चोरों ने, मोर ध्वज बन जब चले गए। बस उसी रात में सभी चोर आकर इकठाम एकत्र हुए। रानी का गला दबा करके चोरों ने बल में अंत किया। फिर शेष खजाने ढूंढ ढूंढ धन सारा वहीं एकत्र किया। एकत्र कर चुके जब दौलत, सब एक साथ निकले बाहर। सिर पर रख भार लक्ष्मी का, वन में पहुंचे फौरन आकर। बस उसी समय नृपोर ध्वज वापस नगरी को आते थे। था प्रातः काल उसी मार्ग, सब चोर जिधर से जाते थे। राजा ने देखा चोरों को, पहचाना वही संत जन है। सोचा मेरी अनुपस्थिति में ये रुष्ट हुए साधु गण है। देख राजा को उस समय हुए चोर भयभीत, आगे बढ़ रोका उन्हें मोर ध्वज जगजीत। बोले संतों क्यों रुष्ट हुए, मेरी अनुपस्थिति लग करके। अपराध हुआ कुछ रानी से, सेवा ना उचित प्रभु पा करके। इसलिए प्रभु है विनय मेरी, अपराध क्षमो दाया करके।
कृत्य कृत्य बनाऊं सेवक को मेरी कुटिया पर चल करके। भयभीत हुए वह चोर सभी, कर जोड़ कहा हे महाराजा, हम साधु नहीं हैं चोर सभी, छल किया आपसे महाराजा। सिर पर है रखी गठरियां जो, वो लूट कोष धन लाए हैं, अपराध किया हम सबने हैं, रानी का वध करके आए हैं। राजा बोले, ये तुम जानो, मैंने तो संत टिकाए हैं, संतों का सदा उपासक मैं, संतों में प्राण समाए हैं। तुम कुछ भी हो मुझको क्या, मुझको तो संत दिखाते हो, मैंने संतों को पूजा है, तुम क्यों मन में अकुलाते हो। इसलिए प्रार्थना है मेरी, पुर चलो हमारे साथ में तुम, ग्रह छोड़ संत सब जाते हैं, कितने पापी हतभागी हम। बहु प्रकार सबकी विनती, फिर वापस महलों में आए, जिस जगह पड़ी थी प्रिय रानी, उस जगह महीप भी जाए। रानी को पुकारा आतुर हो, निद्रा कैसी ये आई है, रानी उठ बैठो तुम जल्दी, कैसी शुभ घड़ी गवाई है। जा रहे संत गण लूठ सभी, तुमने क्या धर्म संभारा है, गृह धर्म को आज गमाती हो, जो नारी धर्म व्रत पारा है। उठ बैठी रानी जीवित हो, फौरन सेवा करने आई, राजा हंसकर कह उठे तुरंत, हे प्रिय नींद क्यों कर आई। रानी से इतना कह करके स्नान कराया संतों को, फिर कनक बाल जन उज्जवल से पग धोया नृप ने संतों के। हाथ जोड़ी रानी कही, सुनो प्राणपति बात, सोए गई मैं आज अति, पति नहीं देखे जा। रानी तब प्रमुदित उठी, सेवा कीन है बनाए, चोर चोरन से तब नृपति, यूं बोले हर्षाय। इस प्रकार कहे नृपति ने, सबको पास बुलाए, बहु प्रकार द्रव्य दे, फिर बोले समझाए। हे साधुवर ये धन ले लो, पर मेरी एक चाहना है, चोरी का कर्म त्याग करके हरि भक्त तुम्हें अब बनना है। गृह में रह गृह कार्य करो, भावना शुद्ध अपनी रखकर, औरों को तारो आप तरो, उर नंद नंदन हरि को धरकर। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर संतों ने शपथ वहां खाई, तज तज दिए कर्म सब चोरों के, गृह काज करे जय यदुराय। इस भांति निरपति मूर्ध्वज के आचरण सत्य व्रत धारी थे, शुद्धात्मा देख महीपत की, मोहे हरि कुंज बिहारी थे। अब कहता हूं वो कथा, जिसको कहना हाल, नदी नर्मदा तट जहां यज्ञ करे महीपाल। मणिपुर से चली पांडव सेना, बादल सी उठती जाती थी, स्वदन अश्व और सुरों की एक भारी पंक्ति दिखाती थी। सबसे आगे था श्यामकरण, जो सज्जित था छवि पाता था, मस्तक पर जिसके पत्र टंगा, पांडव यश को बतलाता था। उसके पीछे तो वीर बभ्रु कर्ण पुत्र दर्शाता था, पीछे श्री कृष्ण हांकते रथ, जिसमें अर्जुन दर्शाता था। उनके पीछे अनिरुद्ध और प्रदुमन आदि क्षत्रिय बाके, नीलध्वज हंसध्वज आदि सत्यकी जैसे क्षत्रिय बाके। आगे कुछ ही पहुंचा लश्कर, घटना उस समय घटी जाकर, मोर ध्वज का पुत्र ताम ध्वज मिल गया अश्व अपना लाकर, कर रहा यज्ञ पितु नर्मदा तट, पूजन हित अश्व मंगाया था, सेना सखाओं के साथ साथ ले अश्व वहीं पर आया था।
ज्यों ही सम्मुख देखा है को यश लिखा पांडवों का देखा, पकड़ा जा अश्व पांडवों का जब टंगा पत्र जय का देखा। तामध्वज ग्रह अश्व को दिया सैन्य में लाए, लख रब्रु वाहन जबी गया सामने आए। क्रोधित होकर ललकार उठा, रे बालक ये क्या करता है, जगपति पांडवों से भिड़कर क्यों बिना मौत तू मरता है। क्या सुना नहीं अब तक तूने कानों से नाम धनंजय का, जो कृष्ण सखा कहलाते हैं ये घोड़ा उन्हीं धनंजय का। दुर्योधन और पितामह से योद्धा जिसने संघारे हैं, गुरु द्रोण कर्ण से महारथी भारत में जिसने मारे हैं, उससे लड़ना उससे भिड़ना ये अश्व पकड़ना ठीक नहीं। तुम बच्चे हो खेलो कूदो, इस अग्नि में जलना ठीक नहीं। तामध्वज कहने लगा, हे मणिपुर के राय, अब पहचाना है तुम्हें धर्मवीर नृसिंहराय। अर्जुन का पुत्र बता निज को, अर्जुन का ही सिर काटा था, सच्चे सपूत तुम धर्मवीर जिसने निज पितु को मारा था। ये ही तुम कहने आए थे मैं अर्जुन गर्व प्रहारी हूं, अर्जुन से भी हूं शक्तिमान, मणिपुर का मैं अधिकारी हूं। पर मैं कहता अर्जुन ही क्या, मैं किसी से न किंचित डरता हूं। रथवान जो उनके कृष्णचंद्र, उनसे निर्भय लड़ सकता हूं। सुने उसने जिस समय ताम्रध्वज के बैन, क्रोधित होकर जल उठा लाल हो गए नैन। छोड़े अति बाण तीक्ष्ण धनु से ताम्रध्वज उन्हें बचाता था, आश्चर्य था बाण छोड़ने से पहले ही काट गिराता था। थक गया बब्रुवाहन रण में हर बार बार बेकार हुए, फिर उसी समय ताम्रध्वज के मोहनी बाण के वार हुए। गिर गया बब्रु मूर्छित होकर वृषकेतु के सामने, फिर आया आते देखा वृषकेतु को ताम्रध्वज ने यूं फरमाया, रे नीच कर्ण सुत्रे कायर, पितुघाती का साथी बनकर आया है युद्ध भूमि में तू, अपने प्राणों की रक्षा कर। आती ना शर्म तुझको कुछ भी, बैरी का साथ निभाया है, भय खाकर अपने प्राणों का पितुघाती के संग आया है। ये कहकर नियंग से गए वर्षा सी कर दी बाणों की, कह उठा संभल अब कर्ण पुत्र, नहीं कुशल है तेरे प्राणों की। सम्मोहन बाणों के लगते ही गिर गया कर्ण सुत धरणी पर, ये देख दशा अनिरुद्ध वीर निज तीर चढ़ाए धनवा पर। डोरी पर तीर छोड़ते थे पर तीर न तन में लगता था, कौतुक था धनवा से छुटकर कटकर पृथ्वी पर गिरता था। कर अट्ठास सुत मोर ध्वज, सम्मोहन बाण चला करके बेहोश कर दिया कृष्ण पौत्र, पृथ्वी पर शीघ्र गिरा करके। देख दशा अर्जुन तभी गांडीव को तान, क्रोधित होकर छोड़ने लगे युद्ध में बाण। जिन बाणों में ये शक्ति थी पल लगते क्षत्रिय मरते थे, वीरों से भरे हुए स्थल कटकर सूने से लगते थे। जिन बाणों में थी शक्ति कभी दुर्योधन आदि मिटाने की, वो बाण अशक्ति मान यूं ही, क्या बात ना ये चकराने की। हंस रहा था ताम्रध्वज रण में, हंसते ही वार किया रण में, आ तीर लगा तन अर्जुन के, मूर्छित हो गिरा वही रण में। मच गई खलबली सेना में, कूदे रथ से तब असुरारी, हाथों में चक्र उठा करके रण हेतु आ गए गिरधारी। हरियाते देखा ताम्रध्वज ने शिर नमन किया और कहने लगा, है अहो भाग्य है नाथ मेरे जो आज सुअवसर हाथ लगा। जन से ये लड़े जनार्दन जब
तब जीवन धन्य कहाएगा, भगवान आज इस भक्त हाथ जय नहीं पराजय पाएगा। देखेगा आज विश्व सारा और युगो युगो यश छाएगा, जन से जनपति हारा रण में आगम पुराण बतलाएगा। बड़ा वीर बालक तभी रण में छोड़े बाण, देख युद्ध की कुशलता कांप उठे भगवान। चाहा बहु भगवान ने करे एक दो वार, पर ना समय क्षण भी दिया मोर ध्वज सुकुमार। बाणों पर बाण मारता था भगवान, विकल अत्यंत हुए, गिर गए वहीं रणभूमि में और तुरंत मूर्छापंत हुए। हो गई शिथिल पांडव सेना, हर्षित बालक दिखलाता था, विजयी पांडवों का विजय अश्व अब रत्नपुरी को जाता था। दोनों घोड़ों को लिए हुए तामध्वज पितु सन्मुख आया, मोर ध्वज करते यज्ञ जहां तार्म ध्वज जाकर शिर नाया। देखा नृपाल ने सुत हाथों दो घोड़े शुभ दर्शाते हैं, घोड़े के मस्तक बंधा पत्र राजा ज्यों ही पढ़ पाते हैं। चौंके बोले, हे त्रामध्वज, ये घोड़ा किसका लाया है? मैंने तो एक मंगाया था, तू दो लेकर आया है। कहा पुत्र ने, हे पिता, सुनो विनय चितलाए, कृष्ण सखा का अश्व ये लाया उन्हें हराए। जय किया कौरवों को जब से अर्जुन में, तब ये मद आया, संसार विजय की आशा से ये श्यामकरण घोड़ा छुटवाया। मैं यज्ञ हेतु घोड़ा लेकर अपनी सेना के संग आया, घोड़े के सहित धनंजय और उनके हितकारी को पाया। उस अहंकार के हरने हित मैंने था घोड़ा रोक लिया, अपने इन तीक्ष्ण बाणों से मैंने सबको बेहोश किया। हे पिता, करो संकोच नहीं, मैं नहीं चुरा कर लाया हूं, क्षत्रिय का हूं मैं वीर पुत्र, मैं उन्हें हरा कर लाया हूं। मोर ध्वज कहने लगे, क्या कर डाला लाल, किया युद्ध भगवान से, किया न कुछ भी ख्याल। जो जगदेश्वर जगदीश्वर भक्तों के वश कहलाते हैं, अर्जुन की भक्ति विशेष देख उनके रथवान कहाते हैं। वे अखिलेश्वर वे भुवनेश्वर आए हैं नराकार होकर, वे मेरे इष्ट पुजारी हैं, मैं करता उनका होकर। जिनके दर्शन के लिए नित्य योगी जन ध्यान लगाते हैं, भक्तों के हेतु वही भगवान इच्छा पूर्ण हित दाते हैं। जिसके हित करता यज्ञ दान नहीं अब तक दर्शन पाया है, उन नीलांबुज तन जगदीश्वर से तूने युद्ध रचाया है। महिमा उनकी तू सोच जरा, जो तेरा नाम बढ़ाया है, कुछ ज्ञान सिखाने हित जग को ऐसा नाटक दिखलाया है। पिता पुत्र का हो रहा इस प्रकार संवाद, पांडव सेना का इधर हटा सकल उन्माद। अर्जुन जागे, वृषकेतु जगे, अनिरुद्ध जगे, भगवान जगे, पांडव दल केशव वीर उठे, मानो सोए हत ज्ञान ठगे। नहीं अश्व मेघ का अश्व वहां, नहीं अरिदल ही दिखलाता था, दल था तो केवल पांडव दल, बिन शौर्य खड़ा दिखलाता था। हत ज्ञान खड़े थे चिंतित मन, थे दुखी धनंजय मन भारी, कर जोड़ कह रहे थे हरि से, ये माया क्या मायाधारी। जिन हाथों में धनु धारण कर रण में कुरु दल को था मारा, है खेद आज वो ही अर्जुन इस नन्हे बालक से हारा। मायाधारी इस लीला में
कुछ सोची आपने माया है। इस जगती में मेरे समान नहीं अन्य भक्त कहलाया है। निज भक्त काज है यदुनंदन मेरे रथवान कहाते हो, अब क्या कारण है दीन बंधु विजय को हार दिखाते हो। कहा कृष्ण ने पाठ सुन मेरा भक्ति प्रताप, अच्छा लगता है नहीं मुझे अहंकार का दाप। तुम समझे हो इस पृथ्वी पर अकेले हम वीर कहाए हैं, पर एक से एक वीर बढ़कर इस भूमंडल में आए हैं। वैसे ही सोच रहे हो तुम कोई भक्त न मुझसे है बढ़कर, पर समझो इस भूमंडल पर है महाभक्त तुमसे बढ़कर। है महाभक्त नृप मूर्ध्वज संतों को हरि सम्मानता है, चाहे हो संत असंत चाहे वो एक ब्रह्म अनुमानता है। उसकी इस पराभक्ति द्वारा सारा जग उससे हारा है, रक्षार्थ में जिसके स्वयं विष्णु करचक्त नियुक्त सहारा है। भक्तों के वश में भगवान सदा रहता है, बनकर सदा सेवक वो सेवा किया करता है। चाहे भक्त उन्हें छोड़े चाहे भक्त उन्हें बांधे, भक्तों के बंधन में भगवान बंधा रहता है। दो प्रेम के बोलों से दो आंसुओं की बूंदों से वो एक से दो होकर संसार बना करता है। भक्तों के वश में भगवान सदा रहता है। अर्जुन बोले हे प्रभु ये प्रमाण की बात, उनमें तब संतोष हो जब देखूं साक्षात। हंसकर बोले तब वासुदेव हां मैं साक्षात दिखलाऊंगा, मूर्ध्वज कितना भक्त प्रबल ये चलकर के बतलाऊंगा। मूर्ध्वज भक्त बहुत त्यागी जिस पर प्रसन्न परमेश हुए, अनुरक्ति सुदर्शन चक्र किया पुर प्रहरी हेतु नियुक्त हुए। यमदूत प्राणियों हित आए पर पार ना पाया नगरी से, प्राणी कोई ले जा न सके भय खाकर भागे नगरी से। यमराज ईर्ष्या रखता है उस नृप के सदव्यवहारों से, लूंगा मैं भक्ति परीक्षा अब करके अनेक उपचारों से। उसी समय आए वहां यमपुर से यमराज, पैरों पड़ कहने लगे त्राही त्राही ब्रजराज। हंसकर बोले श्री कृष्ण तभी यमराज कहो कैसे आए, उलझने पड़ी क्या आप पे हैं जिनको सुलझाने को आए। सुनकर हरि के ये वचन गूढ़ यम बोले क्या प्रभु बतलाऊं, जग की छनछन जो जान रहे उस जगपति को क्या समझाऊं। राजा एक मृत्यु लोक में है जो मूर्ध्वज कहलाता है, जिसकी नगरी के चारों दिश पहरा नित चक्र लगाता है। यमदूत वहां नहीं जा पाते, प्राणियों का आना कठिन हुआ, अंधेर महा ये यदुनंदन सब नियम हमारा भंग हुआ। हंसकर बोले द्वारका पते वो सच्चा भक्त हमारा है, जिसकी पावन भक्ति बल से ये वीर धनंजय हारा है। जिसके उर्मे अभिमान नहीं ऐसे की रक्षा क्यों ना करूं, मर्यादा घटती है मेरी भक्तों की जो ना विपत्ति हरू। सुनी कृष्ण के ये वचन तब बोले यमराज मूर्ध्वज की भक्ति को मुझे दिखा दो आज। हे लीलाधारी लीला का कुछ दर्शन मुझे कराना है,
कैसा वो भक्त आपका है वो सब प्रत्यक्ष दर्शाना है। उत्तर में कहा कृष्ण ने तब, आओ यदि ये ही इच्छा है। संदेह मिटे जिससे सबका, लेना वो कठिन परीक्षा है। तुम बनो सिंह मेरे संग में, अर्जुन युद्ध यति बनूंगा मैं। उस नृप की कठिन परीक्षा हित, बूढ़े का रूप धरूंगा मैं। कहने की देर लगे कुछ क्षण, यम सिंह रूप बन गए वही। लीलाधारी निज सखा सहित, बूढ़े साधु बन गए वही। लिए सिंह को साथ में अर्जुन युत भगवान, रत्नपुरी में आ गए करते हरि गुणगान। नारायण नारायण भजुरे मनुआ जप नारायण नाम, भवसागर से पार उतारे अंत काल में आवे काम। झूठी काया झूठी माया, झूठा है धंधा सुतदारा की झूठी ममता, जप ले हरि का नाम। नारायण नारायण भजुरे मनुआ जप नारायण नाम। ज्यों ही देखा नृपति ने चले शीघ्र ही धाय, प्रथम नवाया शीश को गिरे चरण में आए। दोनों को सादर ले जाकर सिंहासन ऊपर बिठलाया, सेवकों से पैर को धोने हित जल कनक पात्र को मंगवाया। पग धोकर पोंछे वस्त्रों से चरणामृत को ले पान किया, अति प्रेम भाव दिखला करके संतों का विधिवत मान किया। फिर कहा धन्य है भाग्य मेरी, जो कृपा करी हितकारी है। सेवा की आज्ञा हो भगवन, ये सेवक आज्ञाकारी है। प्रभु बोले भक्त राज सुनिए, ये सिंह साथ जो आया है, अति भूखा है ये क्षुधावंत, नहीं इच्छित भोजन पाया है। खाता केवल ये मांस नृपति, वो भी बालक का खाता है। वो भी दानी सतधर्मी के श्रद्धा भोजन अपनाता है। जो निज बच्चे को आरा ले चीरे दो खंड बनाता है, उन दो खंडों में से दाईना खंड ये सिंह प्रेम से पाता है। इसलिए सोच लो हे नृपाल, यदि सच्चे साधु उपासक हो तो दान करो निज सुत का तुम, यदि सच्चे भक्ति प्रकाशक हो। मिट जाए भूख पहले इसकी, इसने पाया आहार नहीं, बिन सिंह खिलाए नहीं खाता, ऐसा मेरा व्यवहार नहीं। है विकट सवाल मेरा नृपवर, सोचो और खूब विचार करो। यदि शक्ति हो तुम में देने की तो तुम मेरा सत्कार करो। हिल जाना नहीं डगमगाना नहीं, अब मन में खूब विचार लो। हट जाना नहीं फिर जाना नहीं, अब मन में खूब विचार लो। तुम और रानी आरा लेकर हाथ में, सुत को बिठाकर चीर दो एक साथ में। दाहिना वो अंग उसका सिंह ये भक्षण करे, सिंह होवे तृप्त ये तप संत जन भोजन करे। अकुलाना नहीं शोक लाना नहीं, अब मन में ये खूब विचार लो। राजन तुम्हारा नाम सुन आए तेरे द्वार, यदि शक्ति हो दान की कर मेरा सत्कार। सुन कृष्ण वचन भूपति बोले, सेवक ना कभी टल सकता है। टल जाए धरा और सूरज ये, पर कहकर नहीं हट सकता है। सत्कार साधुओं का होगा, प्रभु विमुख न जाने पाओगे। मिल जाएगा सुत धन दाम पुनः, पर आप न जाकर आओगे। कह उठे कृष्ण राजन सुनिए, प्रति कर्म का सोच विचार करो। कह देना तो है बहुत सरल, करना है कठिन विचार करो।
कहकर पीछे हटना है बुरा, रण में जाकर जैसे हटना। इसलिए प्रथम अपने मन में लो सोच अंत अनुचित डिगना। संसार में सबसे प्रिय क्या है, बेटा ही तो कहलाता है। फिर उस बेटे को बलि देना नृप नहीं आसान दिखाता है। जाओ महलों में जाकर के उसकी माता से भी पूछो, रखा 9 मास गर्भ जिसने उस जन्मदात्री से पूछो। फिर पूछो जा उस बेटे से जिसको बलिदान बनाना है, आसान बात ये नहीं नृपति, आराले शीश चलाना है। कहा नृपति ने संतवर, छत्री का बस एक, सब कुछ दे देगा मगर त्यागे नहीं निज टेक। विश्वास मुझे रानी पर है, अपने उस प्राण प्यारे पर, रखेगा लाज मेरा गिरधर जब हम सब उसी सहारे पर। यह कहकर शीघ्र उठे नृपवर, महलों को निज प्रस्थान किया। आते देखा महारानी ने उठकर स्वागत सम्मान किया। कह उठे नृपति हे प्राण पिए, अब समय सत्य का आया है आज परीक्षा महा कठिन जिससे ये नृप चकराया है। दो संत द्वार पर आए हैं, एक सिंह साथ में ले करके, मांगा सुत मास सिंह के हित, चीरे हम तुम आरा लेके। मेरे आतिथ्य दान की अब लज्जा हाथों सुत नारी के, यदि ममता त्याग सको रानी, भूलो नाते संसारी के। होता प्रसन्न यदि संत लोग मेरा शरीर मांगते, अगर ये विकट समस्या लगती है, मांगा है निज सुत को आकर। यद्यपि आज्ञाकारी सुत है, संतों का परम उपासक है, व्रतधारी है सतधारी है, वो पितु का कीर्ति उपासक है। सुत पर ही सब कुछ निर्भर है मेरी इस दान महत्ता का, यदि अडिग अडोल रह सका तो सुत रहेगा मेरी सत्ता का। यही सोच कर हृदय में दुखी हुए महिपाल, रानी नृप को दुखित लखित कहा तभी तत्काल। हे प्रभु दुखी क्यों होते हो, शंका करिए हे नाथ नहीं, रानी और सुत सब आपके हैं, छोड़ते कभी है साथ नहीं। संशय ऐसे सुत पर करना सर्वदा आपका अनुचित है, विश्वास करो हे प्राणनाथ, उसमें खून आपका समुचित है। सतधर्मी जन का वंशज हो वो आन न कभी गवाएगा, संतों को दिया वचन जो है वो पूरा कर दिखलाएगा। राजा बोले है सत्य प्रिय, पर सुत का मोह उमड़ता है, यदि उन्हें विमुख लौटा दूं मैं तो मेरा धर्म बिगड़ता है। सुत भी प्यारा सत भी प्यारा, कैसे अपना निस्तार करूं, खाई है इधर उधर सागर, कैसे सकरा पथ पार करूं। महाराज के सुन वचन रानी अति घबराए, कहा तभी कर जोर के सुनो नाथ चितलाए। मानती प्राण प्यारा सुत है, अपने ग्रह का उजियारा है, माता और पितु के प्राणों का ये जीवन ज्योति सहारा है। पर आज भार उस पर ही तो हम दोनों को दिखलाता है, तो शोक मोह को अपना कर अपना सब बिगड़ा जाता है। यदि सुत पर संशय आपका हो तो मैं विश्वास दिलाती हूं, वो नहीं हटेगा सतपथ से, ये बात सत्य बतलाती हूं। इसलिए छोड़ हम तुम ममता, उस जगदीश्वर का ध्यान करें, देंगे प्रभु वही सफलता को,
कर्तव्य का अपने ध्यान करें। रानी के वचनों को सुनकर संतोष नृपति के उड़ आया, फिर भी मोर ध्वज के मन पर कुछ शोभ पुत्र ममता छाया। उसी समय उमड़ आया वहां तार ध्वज सुकुमार, देखा राजा ने तभी अपना प्राण आधार। हो गए मौन मुद गए नैन, पृथ्वी पर शीश झुका जाकर, मन में अपने कहा उठो भू कुछ पुत्र नहीं से दुख पाकर। ओ देव आज क्या होता है, पितुसुत की भेंट चढ़ावेगा, प्राणों से प्यारा ताम्र ध्वज मेरे हाथों काटा जाएगा। कर लिया कठोर हृदय यद्यपि, पतिहित उद्दत मम नारी है, पर हृदय बता तू क्यों मुड़ा, कायरता कैसी धारी है। माया का तम जब छाया है, जग इसमें सब भरमाया है, आत्मा जब अजर सब में, तब किसने किसे मिटाया है। किसका सुत है किसकी नारी, पति है किसका क्या नाता है, अज्ञानी हित संसार बना जो माया में भरमाता है। हो गया सिद्ध जग झूठ जब, तब कर्म से अपने डिगना क्या, जिस पथ पर हम चलते आए उससे पीछे हट मुड़ना क्या। इस प्रकार नृप सोच कर, कर सुत से बहु प्यार, कहा पुत्र कुछ है सुना, संत रुके दो द्वार। इतना कह कर रो उठे नृपति, सुत मोह उमड़ आंसू आए, कुमुदावली रानी के भी बस उसी समय अश्रु भराए। रो उठे नृपति ले गोद सुवन, बोले सुत भूल हुई मुझसे, लूटा सर्वस्व तेरा मैंने, बिन पूछे प्यारे सुत तुझसे। ये दशा निरक पितु की अपनी, तार ध्वज नृपति से कहने लगा, हे पिता आप क्या कहते हो, हूं धन्य मेरा ये भाग्य जगा। यदि संत द्वार पर आए हैं, धन मांगा तो धन धन्य हुआ, यदि मांगे मेरे प्राणों को तो दे देता सुत धन्य हुआ। मोर ध्वज कहने लगे, है ये दुख की बात, मांस तुम्हारा सिंह हित मांग रहे वेतात। उसमें भी एक है और प्रश्न, जिसको सुनकर थर्राएगा, क्या कोई माता और पिता आरासुत शीश चलाएगा। ताम ध्वज बोला, अरे पिता इसमें क्या कठिन दिखाता है, देखने में प्रश्न बड़ा है पर साधारण सिद्ध दिखाता है। है मोह ही जग में मूल पाप, पहले उसका तुम नाश करो, हट जाए अंधेरा उर से जब, तब भक्ति का तेज प्रकाश करो। किसका है सुत कैसा नाता, ये सब धोखे की टट्टी है, तन बना पांच तत्वों से है, आखिर को मिट्टी मिट्टी है। है जीव अमर मरता ना कभी, ये ब्रह्म सूर्य की छाया है, भूलो ना ज्ञान भगवान का तुम जो गीता में बतलाया है। यही जग में है उत्तम ज्ञान, पिताजी लीजिए इसको मान, अजर अमर पुनि नित्य आत्मा, अज अक्षर अनुमान। मरे तथा मारे सो कैसे सोची हृदय सुजान, यही जग में उत्तम ज्ञान। जीरन वस्त्र तजे नर जैसे, नूतन करे विधान, वैसे ही जीव देह छोड़े धारी नए परिधान। यही जग में उत्तम ज्ञान, नहीं आत्मा छिद सके शस्त्र से, जरे ना अग्नि जान, जल से भीग सके ना ये, पितु पावन करे ना हानि, यही जग में उत्तम ज्ञान। चिंता रहित अदृश्य आत्मा, पाप करे नादान,
कैसे शोक करें पितु मन में, बात यही लो मान, यही जग में उत्तम ज्ञान। माता तुम कैसी हो उदास, कैसा अज्ञान समाया है, जो पिता मातु के हित आए वो ही शुभ पुत्र कहाया है। इस छोटी बात को दोनों ने अज्ञान से बड़ा बनाया है, ये नहीं सोचते हो उर्मे शुभ समय हाथ में आया है। कर रहा परीक्षा नारायण, सामना सभी को करना है, यदि कठिन समझकर हट जाएं तो अधम हमें जग बनना है। था नाशवान संसार सभी, एक दिन अवश्य मर जाना है, तो ऐसे तन का मोह व्रथा अपना सत धर्म नशाना है। हे पिता कीर्ति सत के झंडे, जिनसे सतवान कहाते हो, है शोक आज ममता में फंस, वो झंडे कीर्ति गिराते हो। कायर माता रोती जग में, कायर पितु अश्रु बहाता है, वो है असत्य दानी जग में, जो दान को दे अकुलाता है। अब उठो उठो उस पथ पर तुम, जिससे यश तीनों का होगा, है बांस फांस मिस्री साथ, गुण ग्राहक हम सब का होगा। संतों को देर हो रही है, भूखे बैठे हैं द्वारे पर, भूखा है सिंह रुका आकर, केवल एक आप सहारे पर। कर लो कठोर कर ब्रज हृदय, आंखों में नीर न आ जाए, कर्तव्य निभाने दो सुत को, ये हाथ न चारों रुक पाए। इस तन को कर दो खंड अभी, उस सिंह का चल सत्कार करो, खा चुके सिंह जब तन मेरा, तो संतों का व्यवहार करो। इस भांति पिता मां समझाकर तीनों के संग द्वारे आया, प्रमुदित हर्षित मन ताम ध्रज, संतों को जाकर शिर नाया। फिर गिरा चरण में दोनों के, पग धो चरणामृत पान किया, फिर बैठ गया सन्मुख भोग पर, अपने कारज का ध्यान किया। हाथ जोड़ कहने लगा, प्रभु सुनो चित लाए, हुई देर करिए क्षमा, हुए उपस्थित आए। कह उठे कृष्ण हां बतलाओ, तुम सबने क्या ठहराया है, ये सिंह हमारा अति भूखा तुमने नाहक ठहराया है। हे राजन मन हो खेद अगर, तो हमें दान नहीं लेना है, श्रद्धा का दान न दे सकते तो हमको भी चल देना है। राजा ने कहा प्रभु ठहरो, हम निश्चय कर आए हैं, जो देना दान सिंह को है वो साथ में लेकर आए हैं। रानी को और कुमार को भी मैंने ये दान बताया है, सुनकर सुत को और रानी को मन में आनंद समाया है। कहा कृष्ण यति रूप में, तो फिर कैसी दे, आरा ले जल्दी करो, भूखा मेरा शेर। तुम और रानी हाथ में आरा लो हर्षाय, सुत सिर रखो बीच में, दो दुई खंड बनाए। ध्यान रहे इस दान में, इतना रहे विचार, तुम तीनों के नैन से गिरे ना जल की धार। आंखों में यदि आया आंसू, तो दान अश्रद्धित हो जाए, साधु ना अश्रद्धा से लेता, चल देता द्वार से ठुकराए। ये ध्यान रहे ये सिंह मेरा, दाया तन केवल खाएगा, बाया जो भाग रहेगा तन, वो वहीं पड़ा रह जाएगा। जिस समय सिंह भोजन खाए, आंसू यदि अखियन आएगा, तो सिंह छोड़ करके भोजन फिर नहीं किसी विधि खाएगा। कर जोड़ के बोले मोर ध्वज, हम तीनों अटल धर्म पर हैं, भगवान हमारे प्यारे हैं, हम तीनों तुले उन्हीं पर हैं।
भगवान दो आशीर्वाद हमें, हम विफल ना हों अपने व्रत में, सिद्धांत हमारा रहे सुदृढ़, हो खरे सदा अपने सत में। इतना कह करके संतों से रानी से बोले, सुनो प्रिय, जाकर सुरभि गोबर लाओ दो लीप, यहां है प्राण प्रिय। अब देर हो रही है बहुत प्रिय, भूखा ये सिंगल खाता है, करना शुभ कर्म शीघ्र हमको, शुभ समय बीतता जाता है। मैं भी लाता हूं आरा को, सुत को स्नान करा के तुम चौका में चौक पूर करके, सुत को उस पर बिठला के तुम कर दो सहर्ष ये कार्य पूर्ण, जाओ है उचित विलंब नहीं। यह सुनकर रानी गोबर लाकर कर दी पवित्र वो यज्ञ, वही आरा लेकर आ गए नृपति सुत को स्नान करा करके। दंपतिवर आरा हाथों ले सुत को सहर्ष बिठला करके, कर जोड़ प्रार्थना की हरि की, जगन नियंता असुरारी, ये लाज आपके हाथों है, रक्षक तुम हो गिरधारी। ताम ध्वज कहने लगा, क्यों करते पितु दे, करो कार्य प्रारंभ, दुखित क्षुधा से शेर। मां खड़ी हुई क्या देख रही, आरा खींचो अब देर है क्या, भूखा है सिंह निहार रहा, भोजन देने में देर है क्या। जिसके हम सब जन सेवक हैं, वो रक्षक सबका असुरारी, वो ही रखेंगे लाज प्रभु, जिनके ऊपर हम बलिहारी। हर्षित हो गए पिता माता, सुन बातें प्राण प्यारे की, दंपति वर तप संलग्न हुए, ध्वनि हुई पुत्र सिर आरे की। बैठा ताम ध्वज काट सरिस, आरा सरसर हो चलता था, जैसे बड़ई हो चीर रहे, लखी दर्शक दल मन कपता था। है कहां आजकल के बच्चे, जो पितु आज्ञा को टालते हैं, पितु की प्रिय नामे नामी में बाधाएं अमित डालते हैं। है कहां आज की वो नारी, पति यश में जो जल मरती है, कैसे यश रहे चारु पति का, अर्धांगनी जब यूं जलती है। होता है सफल पुरुष वो ही, जिसकी नारी सहधर्मिणी हो, सुख दुख में जो प्रसन्न हो, वे पति इच्छा हेतु संकर्मणी हो। पति के सत्संग परायण में जो नारी कोटा बनती है, वो दूसरे जन्म विधवा बनकर वेश्याव्रती को करती है। पति को अपमानित करके जो अपना प्रभुत्व उपजाती है, उत्तम अपने मन बने भली, पर वो उल्टा कहलाती है। जो लाभ लाभ करती धन का, प्रभु के धन पर संतोष नहीं, वो पूर्व जन्म की वेश्या है, इस जन्म जाति का होश नहीं। भगवान वहीं पर रहता है, जहां सुमति एकमत रहते हैं, पत्नी पति ईश समझती हो, सुत पितु की आयुष कहते हैं। घर घर के बनने का जिम्मा नारायण ऊपर आता है, नारायण करता वास वहीं, सुख का प्रकाश फैलाता है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब फिर प्रसंग पर आते हैं, जो कथा सुनाने बैठे हैं, ये द्वापर युग की बातें हैं। चल रहा शीश पर था आरा, हंस रहा पुत्र मन प्रमुदित था, प्रण पाल रहे थे दंपतिवर, उन दोनों का मन हर्षित था। वो सिंह रूप यमराज देव निर्दय का भाव दिखाता था, सोना को खरा बनाने हित नाटक नटवर दर्शाता था। बस उसी समय सुत के बाएं लोचन से अश्रु रूप जलपात हुआ, अर्जुन के सहित उठे मोहन, बोले ये दुख आघात हुआ।
मैंने पहले समझाया था, यदि नैन अश्रु आ जाएगा, ये सिंह विवेकी है मेरा, नहीं मांस दान का खाएगा। कर जोड़ कुमार तपोल उठा, हे दया धाम सुन तो लीजिए, ये शोक नहीं मन हर्षित है, मेरा निर्णय खुद ही कीजिए। हो रहा दाईना अंग सफल, जो काम सिंह के आता है, वामांग व्यर्थ जा रहा सभी, ये सोच के मन दुख पाता है। यदि दोष हुआ बाए तन का, तो उसको अस्वीकार करो, नहीं दोष दाईने तन का है, प्रभु उसको तो स्वीकार करो। ताम ध्रज के वचन सुन गदगद हुए कृपाल, अर्जुन यम से कह उठे, देखा चरित्र रसाल, ये कह बदला रूप निज, लिया चक्र को हाथ, पीतांबर शिरधर मुकुट दिए दृश्य बिजनाथ, रख दिए हाथ सुत के शिर पर, नृप से बोले जगजीत हुए, तीनों प्राणी हो सत्यवीर, तुम युग युग अमर अजीत हुए। तामध्रज पुत्र उठो आओ, मैं कारण सब समझाता हूं, किस कारण हुई परीक्षा ये, इसका कारण समझाता हूं। कुछ गर्व बड़ा था अर्जुन के, मेरे समवीर न भक्त कोई, यम को भी देनी शिक्षा थी, इसलिए रचाया वेश। जय हुई नृपति की रानी की, रानी के प्राण प्यारे की, वर मांगो मुझसे हे नृपाल, इच्छा ये हृदय हमारे की। कर जोड़ कहा तब भूपति ने, मुझको कुछ नहीं चाहना है, चाहना एक केवल मुझको, जो आपसे अनुनय करना है। जिस भांति परीक्षा ली मेरी, कली में ना विचार कहीं आए, भगवान भक्त और संतों की मर्यादा कहीं ना घट जाए। अब जन ये नहीं चाहता, बसो हृदय नितनाथ, नैनन नित मूर्ति रमे सदा विशंभरनाथ। दो अश्व अब लीजिए, करिए प्रभु प्रस्थान, एवं मस्तु नृप से कही कृष्ण चंद्र भगवान। कूच किया सेना सहित जहां सरस्वती राज, विशंभर तुम भी कहो जय ब्रजपति ब्रजराज। भक्त शिरोमणि महाराज।